Hi friends, welcome back to another blog. ओली भी स्वागत कर रहा है. ओली स्वागत कर रहा है. हाय. अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हस्बैंड पूजा पे बैठ चुके हैं 8 बजे ही. अभी उनकी पूजा खत्म नहीं हुई है और अब है मेरा खाना बनाने का टाइम. तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं. आज खाने में बना रही हूँ कड़ी चावल और आलू की भुजिया. तो चलिए. कड़ी बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है बेसन और मैं सिंपल वाली बना रही हूँ कड़ी, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी. और ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल लिया है और इसे इतना फेटा है कि इसमें थोड़ा सा एयर आ जाए, यानी कि ये इतनी हल्की हो जाए कि जब आप इसे पानी में डालें तो वो ऊपर आ जाए. तो अब मैं इसे छान लूँगी और उसी कटोरी में मैंने फिर से थोड़ा सा बेसन घोला है ज़्यादा पानी देकर कड़ी बनाने के लिए. मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी और इधर मैं दही को भी अच्छे से फेंट ले रही हूँ, फिर दोनों को मिक्स कर दूँगी. मैंने इसमें सिर्फ हल्दी डाला है और नमक फ़िलहाल नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूँगी. तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी. मैं अभी कोई तड़का नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बाद में तड़का ऐड करूँगी. तो ये हमारी बड़ी भी इसमें डाल दी है ताकि ये ज़्यादा कड़ी का पानी अब्जॉर्ब कर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए. तो इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए. और इधर मैंने चावल रख दिया है. अब हमारी कढ़ी बड़ी बन कर तैयार हो चुकी है तो हम इसमें तड़का लगाते हैं. तड़का के लिए मैंने घी लिया है. घी में थोड़ा सा हींग, जीरा और हरी मिर्च काट कर डाला है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस में घिस लिया है और मैं उसे भी डाल दे रही हूँ. अब 1 चम्मच की हेल्प से हम इसे चलाएंगे. मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूँ. अब हम इसे इतना चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि ये हल्का रेड ना हो जाए. और अब मैं इसमें फ्लेम ऑफ कर देगी मिर्च डाल रही हूँ, इससे हमारी कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा. तो ये हमारा तड़का तैयार है और ये मैंने कढ़ाई में इसे डाल दिया. तो ये हमारी कढ़ी बड़ी बन के बिल्कुल तैयार है और ये है हमारा आज का खाना, सिंपल और हेल्दी. तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है. मैं खाने के बाद ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, मार्केट चली गई थी और फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज था. तो मार्केट से आज दुर्गा माँ के लिए साड़ी और कन्या खिलाना है तो उसके लिए कपड़ा लेना था, तो मैं लेके आ गई. बहुत भीड़ थी मार्केट में इसलिए टाइम भी लग गया. शाम का टाइम हमारा और ओरियो का एक साथ यहीं पे गुजरता है. ओली अल्ले वाला प्याला बेबी, ओरियो स्टिक खा लो बेटा, ओरियो स्टिक खाओ, स्टिक खाओ, स्टिक. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ना, नॉट इंटरेस्टेड. तो ये है यहाँ का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत है. चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो कपड़े लाए हैं, क्या क्या कपड़े हैं वो. और उससे पहले मुझे बनानी है चाय शाम की और कुछ नाश्ता. तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय. तो मैं दिखा रही हूँ ये जो मैंने आज शॉपिंग किया है कपड़े. तो ये मैंने माता रानी के लिए लिए हैं उनको चढ़ाने के लिए, ये इस तरह की है. और ये कन्या जो
कन्या खिलाएंगे हम लोग उनके लिए। मैं दो कन्या खिला रही हूँ, तो ये उन लोगों के लिए जींस टॉप है, एक 10 साल की और एक 12 साल की। तो ये 10 साल की है उनके लिए है, ये जींस भी उसी के लिए, और जो मैंने पहले वाली दिखाई है वो 12 साल की लड़की के लिए है। टॉप बहुत ही प्यारी है, येलो कलर वाली भी और ये स्काई ब्लू वाली भी। इसमें आगे से टाई करने के लिए दिया गया है और वो सिंपल है लेकिन लेस वाली टॉप है। और ये मैंने दो रुमाल रख लिए ताकि मैं जब खोचा दूँ तो वो लोग उसी में ले जा सकें। और अब हो गया है ओरियो येलो का प्ले टाइम, बिना बॉल खेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बॉल दो दो बॉल दो बॉल वो देना नहीं दो चाहता, मम्मा चाहता है कि को मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ। बॉल दो फाइनली ली। ओरियो ने मुझे बॉल दे दिया, मिल गया मिल गया मिल जो गया कि मिल गया। मुझे फिर ला कर देता है जब तक उसकी मर्जी होती है। और वो 5 मिनट में ही थक गया और पानी पीने लगा, और फिर से बॉल मेरे पास लाया, लेकिन मैं जैसे ही फेंकी उसे तब तक लग गया कि उसके पापा आने वाले हैं, क्योंकि वो पार्किंग एरिया में जब आते हैं तभी ओडियो को पता चल जाता है कि आ गए हैं। अब वो खेलेगा नहीं बल्कि उनका वेट करेगा। बार बार दरवाजे की तरफ देखेगा और ये फाइनली बेल बजी है। नो और शुरू हो गई ओडियो की मस्ती। नो तो यहाँ पर मैं, अब शाम हो चुकी है, लगभग 7 बज चुके हैं, तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। आज जागरण है, सप्तमी है, तो आज हमारे यहाँ खोइचा भरा जाता है। तो मैं उसमें चावल, हल्दी, दुबई और कसेली ये और एक एक सिक्का डालूँगी और फूल रखूँगी। सारा कुछ रखने के बाद मैं इसमें जो मैंने श्रृंगार का सामान लाया है वो भी इस पर डाल दूंगी। मैं श्रृंगार का सामान चाहती तो खोल के भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये साड़ी जो मैं माँ के लिए लाई थी वो मैं उन्हें चढ़ा रही हूँ। तो ये मुझे माँ के दाएं साइड रखना था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने अपने दाएं साइड रख लिया। तो ये मैं फिर से वापस इसे जगह बनाकर दाहिने साइड रखूँगी। यही मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि दाएं माँ के दाहिने साइड रखो, अपने दाहिने साइड नहीं। तो अब मैं प्रणाम करके और फिर खोइचा जो मैंने भरा है उसे बांध के यहीं माता रानी के पास रख दूंगी। साड़ी तो हम थोड़ी देर में उठा लेंगे, लेकिन ये हमारा खोइचा जो है वो विसर्जन तक यहीं रहेगा। तो मेरी पूजा हो चुकी है, तो हमारी पूजा हो चुकी है। आज सप्तमी था जगरना, तो आज माता रानी को कपड़ा चढ़ा। तो अभी अब हम लोगों को भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है, तो नाश्ता कर बनाने जा रही हूँ मैं। देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाती हूँ। तो चलिए, तो नाश्ते में मैंने बनाया है आलू भड़के लिट्टी और साथ में बनाई है चाय।
अभी हम बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं, तो जो भी बनता है घर का ही बनता है, इसलिए हम लिट्टी के साथ ना सॉस खा सकते हैं ना कोई चटनी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय नाश्ता सब हो चुका है और नाश्ता इतना हैवी हो गया है कि अब हम लोग खाना तो खाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना साथ बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बाय।